जानते हो दया, इसकी फिटनेस जाने का मतलब क्या है? नहीं सर, आप ही बताइए। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। रात का टाइम हो गया, सुबह मैं काम पे गया हूँ और काम से वापस आ गया हूँ। सारे यानी एक जो मेरी डेली रूटीन है ये उससे हट के आज मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी फिटनेस जो है ना खो चुका हूँ, लिटरली खो चुका हूँ। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है, मैं जब लास्ट टाइम अपना फुटबॉल मैच खेलने गया था तो पता लग जाता है इंसान को, जब उसका बुरा टाइम आता है ना तो पता लग जाता है। मेरा भी बुरा टाइम आया हुआ था, मुझे भागने नहीं हो रहा था, भारी भारी फील कर रहा था। तो जब वज़न चेक किया, मेरा जो वज़न था, मेरा वेट पहले वो था 80 नहीं, मेरा जो पहले वज़न था वो था 69 केजी, और अब मेरा वज़न है 82। ज़्यादा हो गया ना, काफ़ी ज़्यादा, जंक फूड वगैरह सब की वजह से। तो फिटनेस तो मस्ट है। तो मैं आज आया हूँ ममशा रिहाब, और अब मैं इंशाल्लाह रोज़ आके यहाँ पे कार्डियो करूँगा। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग वाला कार्डियो कार्डियो होता है, पर कुछ करना ना करने से बेहतर होता है। चलें, अभी मुझे सिर्फ अपने जिस्म को आदी करना पड़ेगा ताकि उसके बाद मैंने थोड़ा हार्ट को वर्कआउट पे जाने, जिम जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से। सुन लो सब, एक टाइम था मेरी फिटनेस लेवल 100% नहीं थी, 110% थी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चेक करेंगे जाके तो आपको पुरानी तस्वीरें मिल जाएंगी। तो सवाल ये है कि मेरी फिटनेस गई किधर और ख़त्म कैसे हो गई? जानते हो दया, इसकी फिटनेस जाने का मतलब क्या है? नहीं सर, आप ही बताइए। इसका मतलब है कि ये मोटा हो गया है। पहुंच आया हूँ घर, अभी ऊपर की तरफ निकलना है। तो सबसे पहली बात आप लोगों से मैंने ये करनी है कि मेरा वज़न कैसे बढ़ा। वज़न मेरा ऐसा बढ़ा कि पहले मैं रेगुलरली जिम गया हूँ, तकरीबन 1-1.5 साल गया हूँ। उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया। जिम छोड़ने की वजह, मैं और करीना कपूर साथ जिम करते थे, और फिर करीना कपूर और हमारा यानी ड्यूटी टाइमिंग्स आगे पीछे थोड़े मसले बन गए, फिर हम लोगों ने जिम छोड़ दिया। टाइमिंग बहुत ख़राब हो गई थी। जिम छोड़ने के बाद मैंने, क्योंकि जब तक मैं जिम में था मैंने अपनी डाइट पे बहुत काबू किया हुआ था। यानी देखो, 100% डाइट कोई भी नहीं बंदा कर सकता, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके बंदा 100% डाइट करता है, लेकिन उतनी कर रहा था जितनी ज़रूरी थी। यानी कंट्रोल रखा हुआ था पूरी तरह से डाइट के ऊपर। और जैसे ही वो सारा कंट्रोल ख़त्म हुआ ना, सब कुछ बढ़ना शुरू हो गया। पेट क्या, चर्बी क्या, जिस्म का कोना कोना क्या, सब बढ़ गया। फिर अब मैंने फैसला लिया है कुछ और। सुनो, फैसला ये है कि अब मैंने अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है और वर्कआउट इंशाल्लाह डेली रूटीन पर करना है, एटलीस्ट 5 days a week। मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। और एक बात तो पता नहीं भूल गया, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि पेट बाहर आना। और पेट अंदर करने का ना एक ऐसा तरीका, एक ऐसी टेक्निक मैं आज आप लोगों को बताऊँगा ना, मज़ा आ जाएगा सुन के। उसके लिए मैं कमरे में। तो टेक्निक ये है कि आपको अपने जिस्म के 3 सबसे बड़े मसल्स को टारगेट करना पड़ेगा। 3 सबसे बड़े मसल्स, आपका चेस्ट, थाइस एंड बैक। चेस्ट, थाई, बैक, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने, अगर इसका आप लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट कर ली एक्सरसाइज, यकीन करें ये तीनों चीज़ें जैसे ही मसल्स इसमें ग्रो होंगे और ये खींचना शुरू होगी ना, पेट उड़ जाएगा आपका। स्पेशल टेक्निक है, छुपी हुई है। तो मुझे पता है, जब भी मेरा मुझे मोटापा आता है ना, उसको मैं एलिमिनेट करता हूँ 1 week। बहुत, एक हफ़्ता भी ज़्यादा है, मैं 4 दिन अगर वर्कआउट अच्छा करूँ ना, मैं अपना पेट गायब कर देता हूँ। क्योंकि मैं तरीका समझता हूँ, मुझे तरीका आता है, अपने पेट जो बाहर आ जाता है ना उसको मुझे वापस खींचने का तरीका आता है। ये नहीं है कि सांस अंदर करके खींच लिया ना, तरीका उसका यही है कि आपको अपनी बैक का वर्कआउट करना है, चेस्ट का वर्कआउट करना है, थाइस का वर्कआउट करना है, ठीक है। कैलोरीज भी बर्न करनी है, ज़्यादा कैलोरीज के गेम जो है, सारी गेम्स आपको गूगल अंकल बता देंगे। तो हमारा जो काम था हमने वो बता दिया आपको। एक चीज़ मुझे सबसे मुश्किल लगती है, डाइट पे कंट्रोल करना। टाइम यार, कुछ भी बंदा खा नहीं सकता। यानी मैं कुछ खाने के काबिल नहीं रहता, लेकिन अपने लिए हेल्दी फूड इज़ हेल्दी,
तो बात इतनी सी है, खाओ मगर ध्यान से। बात यह है कि आज मैं जिधर गया हुआ था वो जगह के साथ मेरी ना बड़ी यादें हैं यार। जिधर भी जद्दा में जाओ यादें तो होती हैं, लेकिन वो कुछ यादें जो होती हैं ना वो चुभती हैं बंदे को। मैं हमेशा जाता था अम्मी के साथ उस जगह पे। अम्मी होती थी, सिस्टर होती थी, भाई होते थे, वो लोग वॉक कर रहे होते थे, मैं रनिंग कर रहा होता था। तो वैसे ही होता था, मैं रनिंग कंप्लीट करके ना वापस आता था, यानी ट्रैक वही था। लेकिन वैसे ही मेरे दिमाग में मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अपना भागे जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रनिंग करता हूँ तो फिर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस करता जाता हूँ। तो जब मैं रनिंग करके वापस आता था ना, तो आगे आता था तो अम्मी और सिस्टर भाई सारे इस तरह से आ रहे होते थे और मैं वापस जा रहा होता था। तो आज भी मेरे दिमाग में वही चीज़ थी, मैंने कहा शिट यार वापस जा रहा था, मेरे दिमाग में था अभी वो सामने आएंगे, लेकिन यार होता है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी जगहें हैं, पर अब कर तो कुछ नहीं सकते ना, इसलिए स्टे स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दें कैसा लगा। सब्सक्राइब कर देना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उसामा साइनिंग आउट, बाय बाय।